जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बगैर किसी तमहीद के बढ़ते हैं आज की पहली गेंद की तरफ से। भाई ये अब तक का स्कोर है, जरा दिखा दें स्कोर भी अगर दिखा सकते हैं तो। ये इस हफ्ते के एवरेज स्कोर्स हैं 4.5, 3, 2 एंड 1.3। सो इस एवरेज स्कोर इज बेसिकली रन स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं पहली गेंद की तरफ। चलें ये सवाल जरा उर्दू से मुताल्लिक है, लेकिन आपने तो बिल्कुल घबराना है ही नहीं, जाहिर है वो इमरान खान साहब ये बता। तो ये तीनों जो है ना आपको जवाब बताएंगे और इसमें से किसी एक के पास सही जवाब है, ठीक है। मैं हिंट दूंगा आपको सर। पहले ये तो बता दीजिए ये इतने मुश्किल अल्फाज कहां से लेके आते हैं यार? आज आपको आज लेके आ रहे थे, तभी तो फौरन आप जवाब दे देंगे ना, वरना मैं जरा मोबाइल फोन तो कब्जे में ले लूं ना सबके से बुलवाया। मैं बाहर से आया हूं, मेरी उर्दू वैसे ही पहले थोड़ी सी नाकिस किस्म की है। आज हम सब एक्सपोज हो गए। यहां आपने खान साहब पठान साहब को बिठाया हुआ है यार, आप जेलम के हमारे पंजाबी तो मदद किसका लगेगा फुल। भाई आज हमने खुसूसी हेल्प करनी है। आज इत्तेफाक देखे वहाँ वो बाहर से आए हुए, हाँ। यहाँ मैं बाहर से आया हूँ। कहाँ से? बाहर से कहाँ से? यहाँ बाहर से आया हूँ। वो पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं। ज़ुल्फी भाई ये एक लफ्ज है। आदि भाई ये क्या लफ्ज है? कहाँ है ये बताएं? हाँ पश्तों का है ये वर्ड। नहीं नहीं ये उर्दू का है। ये लफ्ज है अरमुगाने इनबिसार। क्या है ये लफ्ज? अरमुगान है इनके साथ। सर क्या है लफ्ज? सारी जिंदगी अरमुगान इनबिसात की तलाश में रहा, ठीक है। ये मैंने शेर नहीं सुनाया भाई, ये मैंने जुमला पढ़ा है। वो कौन है? एक आदमी है वो। तो सर आप बताएं इनमें से किसको हम कहेंगे जवाब बताएं, फिर हम देखते ना कि क्या। मैं आपकी तरफ हूँ, आपने घबराना नहीं है। खैर देखें जहाँ बुजदार साहब बैठे हुए हैं वहाँ तो आप बात किसी और की तरफ देख नहीं। सर क्या बात है। हाँ पहले आप बताएं सर अरमुगान इनबिसात किसे कहते हैं? सर आपने देखा होगा ये जो हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, इन हॉलीवुड फिल्म्स देयर इज अ मैप और टुवर्ड्स ट्रेजर, फॉलो द मैप एंड गो टू द ट्रेजर। साहब उसी उर्दू ही बोल दो। तो ये जो इंडियाना जोन्स की जो फिल्में होती हैं, इसके अंदर जो नक्शा एक होता है जिसको देख के फॉलो करके पहुंचते हैं वहां तक, और नक्शा तक पहुंच जाने के लिए जो नक्शा जो भी इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं अरमुगाने। यानी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं आधा बोलूंगा बाकी आप बोलिएगा। अरमुगाने इनबिसात यानी खजाने का नक्शा। खजाने वो कह का रहे हैं, नक्शा वो होता है ना फिल्मों वगैरह में कि एक नक्शे के जरिए खजाने तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं अरमुगाने इनबिसात। और ये वाजिया भी हो रहा है, शेर से भी वाजिया हो रहा है। सारी जिंदगी अरमुगाने इनबिसात की तलाश में। हाँ ठीक है सही है। ओके इनसे पूछे ना इन भाई से क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आदि भाई जी, आदि भाई बताए। मैं ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह बुजदार साहब मेरे साथ, हाँ अरमुगान साहब उनके साथ, इनबिसात साहब के साथ। हाँ नहीं नहीं कुछ और है क्या? अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ। हाँ आपने क्या कर रहे हैं देख के पढ़ा हूँ। अच्छा भाई तो बताएं, ठीक है। आपने वसीम भाई इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को देखा होगा। वाह वाह वाह। क्या आपने इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को देखा है कि नहीं देखा है? माशाल्लाह देखा है ना। आगे चलेंगे। अगर ये इनसे पूछा भाई वो मेहमान है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने सर प्यारी प्यारी लड़कियों को देखा होगा। हाँ, ये बात तो मेरे इल्म में है। देखा है? अगर किसी एक का नंबर मिल जाए तो मैं भी जरा उसे। भाई क्या हो गया? सॉरी नहीं ये अलग है। हाँ। आपने इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को देखा होगा। हाँ। तो आपके दिलो दिमाग में, हाँ, एक हसीन तरीन लड़की, हाँ, महबूबा का खाका होगा। अच्छा। जिसकी झील सी आंखें, हाँ, मस्ती भरी मुस्कुराहट, अच्छा, ये पतले पतले बाजू, नशीली आंखें, भाई आप मतलब बताएं, और उसके होंठों से निकलती हुई प्यारी सी आवाज, और पीछे एक लंबी सी दुम। दुम 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 कैसे हो सकती है? ये इसी को तो कहते हैं जो आपकी इमेजिनरी महबूबा होती है, ख्याली महबूबा। ख्याली महबूबा वो कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं आप लोग भी जब नहीं बता पा रहे थे वो क्या है मतलब? मैंने बता दिया इमेजिनरी जो, ठीक है भाई वो था खजाने का नक्शा, ये है ख्याली महबूबा। उनसे पूछे शहबाज साहब से। इजाजत। वैसे आपकी शहबाज साहब से कभी वन ऑन वन मुलाकात? मेरी नहीं हुई।
नहीं आप महरूम हैं, पहली दफा है, पहली दफा सर। आज आज शो के बाद मिल लेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर आपकी इजाजत से अर्ज करता चलो। सर ये स्पीकर सुन ही थोड़ी यहां बना के आपने वो गाना सुना होगा तोहफा 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 लाया 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 लाया। सर गाना कहां से आप बताएं, मतलब खुशी खुशी के मौके पे जब तोहफा दिया जाता है आपको भी अच्छा लगता होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है तो इन मौकों पे जब तोहफा दिया जाता है तो उसे अर मगाने इंबसात कहा जाता है। अच्छा खुशी का तोहफा। हाँ जी तोहफा को गम में भी दिया जाता है क्या मतलब? मैंने एक बार एक बंदे को मैयत पे हिमानी का परफ्यूम दिया था। आप मेरे ब्रांड की भी पड़ गए सारे, अजीब सा हो गया था वो। सही भाई खजाने का नक्शा जी जी, ख्याली महबूबा खुशी का तोहफा। वैसे आपको क्या लग रहा है, वैसे हेल्प भी ले सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? पहले मैं दोनों अपने सीनियर से, ये भी सीनियर है अच्छा आप भी सीनियर ही हैं मेरे यार। अच्छा आपकी कितनी उम्र में बाद में पूछ लूंगा, क्या पूछ रहे हैं क्रिकेट के हिसाब से तो अच्छा उस लिहाज से जाहिर सी बात है वो तो है, मैं तो उम्र के लिहाज से क्या। अच्छा जी हाँ सर आपको क्या लग रहा है, क्या मुझे लग रहा है वो जो था ना वो कौन सा वाला वो जो है वो सारी जिंदगी साथ की तलाश में, वो सारी जिंदगी जो है ना वो महबूबा के ख्याली महबूबा, ख्याली महबूबा के उसमें। ओके आपको क्या लगता है, आज ही बताना है उनको लग रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है अभी लग रहा है मुझे बुजदार साहब आपको सदके थीमा और सदके थीमा। आपको वैसे सुनते ही फौरन क्या फैसला आपका अपना है, फैसला आपका है अभी आप आपकी विजडम फैसला आपका जो सुन के जो मुझे सही लगा वो उनका लग वो इनका लगा है। ये आधी आधी का सबसे पहले भाई क्या हो गया वैसे भी सबर अभी इलेक्शन के नतीजे थर्ड अंपायरिंग जबरदस्त थी तो आपकी एम्पायरिंग से यानी जा साहब माजरत सर लेकिन शायद सही आपको मतलब ये गलत नहीं हो गया बुजार साहब इस पे अब नहीं कोई बात नहीं है शायद हमारी अच्छा लेकिन इस चीज में है बुजार साहब अगर मैं गलत हूं तो मुझे खुशी होगी कि आप सही हैं। हां ठीक और अगर शहबाज सर सही हुए तो नहीं चले इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट इन दो पे रखते हैं आपके मुंह में जो आया था वो बोले ना वो जहन में आया था। ठीक है सो हम लॉक कर रहे हैं आदि भाई यानी कि अरमगाने इनमें साथ कहते हैं ख्याली महबूबा को आपके ख्याल में। ठीक जुल्फी भाई ने जो कहा है कि और आपको भी लग रहा है कि सही कह रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुस्तफा भाई सही कह रहे हैं, अल्लाह करे ठीक हो जाए, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। चलें हम करते हैं लॉक इस जवाब को। आप क्यों खड़े हो गए भाई, स्पीच दूंगा ना किस चीज की, जब मैं सही होऊंगा तो मुझे बता तो देना कि आप सही हैं उसके बाद स्पीच दें। चले ना तो जुल्फी बुखारी साहब ने अर मुगाने इनबिसात का मतलब बताया है ख्याली में, आप यार बात तो खत्म होना दो मतलब बताया है ख्याली महबूबा। यूनुस भाई का भी ख्याल है कि जवाब सही है जबकि तनवीर भाई का ख्याल है कि नहीं इनका जवाब सही है यानी कि खजाने का नक्शा। खवातीन हजरात मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ, जाहिर है तीनों लेजेंड्स बैठे हैं यूनुस भाई जुल्फी भाई तनवीर भाई, तीनों ने मिलकर दो लोगों के बारे में बताया, जिस एक आदमी के बारे में तीनों ने नहीं बताया वही आदमी का जवाब सही है बाकी सब का जवाब गलत हो गया। खामोश अब करें स्पीच करें हम नहीं यार काय की स्पीच। हाँ अरमुगाने इनबिसात सर जीत गए, खुशी के तोहफे को अरमुगाने इनबिसात कहते हैं, खुशी के तोहफे को अरमुगान कहते हैं खुशी और इनबिसात कहते हैं अरमुगान। सन्नाटा कितना हो गया? हाँ ये क्या सर क्या हो गया खामोशी कोई बात नहीं हाँ। वो एक ही घिसी पिटी तकरीर है हाँ। जो आप और हम हर रोज सुन रहे हैं, आज नहीं सुनी कल सुन लेंगे तो आप जो पिछले दो साल से रूट कनाल करा के आ रहे हैं मैंने बोला नहीं नहीं वो कोई बात नहीं अभी आगे हम फौरन बढ़ते हैं अपनी दूसरी गेंद की तरफ। चले मैं जुल्फी भाई ये सवाल देंगे इसमें आप जिससे चाहें, आपके ख्याल में जुल्फी भाई दोस्तियां आम तौर पे किन चार बातों पे टूट जाती हैं, आप सबसे मशवरा कर सकते हैं। लड़की लड़की का मामला बीच में आ जाए तो गलत लड़की नहीं अच्छा बच्ची जी बताइए हाँ तो बहुत सारी बातें होंगी लेकिन ज्यादातर लोगों ने जो कहा आपके ख्याल में हाँ भाई झूठ बोलना। जुल्फी भाई आपका क्या ख्याल है कि दोस्तियां आम तौर पे किन चार बातों आप मशवरा देंगे? कौन सी दोस्तियां मेरी आपकी दोस्ती अच्छा। किस बात पे टूट सकती है? पैसों के मामले में भी हो सकती है, पैसों के मामले में हो सकती है। हाँ भाई जुल्फी भाई ये आई थिंक मेनली पैसे अच्छा औरत अच्छा जर जमीन जन वो जो कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है सर जमीन कहते हैं और तीसरी आई थिंक जब आप ट्रैवल करते हैं साथ अगर सफर से आदमी पहचान सफर पे आप पहचान सकते हैं तो आपने किसी ऐसे बंदे के साथ सफर किया कि फिर आपको उसकी पहचान हुई हो? नहीं मैंने ऐसा नहीं किया महरूम रहा अच्छा ठीक सही है तो अल्लाह का शुक्र है पूरी पार्टी ने मेरे साथ सफर नहीं किया अच्छा चलो भाई तो जुल्फी भाई हम जरा पहले जवाब को लॉक करते हैं ना क्या मैं मतलब आपने कहा जन यानी खवातीन यानी औरत यानी आप लॉक कर रहे तीन चार जवाब दी दोस्तियां बोले आप एक एक करके बताएं हम बताते हैं कि वो जवाब मैच कर रहा है नहीं कर रहा है मर्दों के लिए औरत और औरत के लिए मर्द ठीक है ओके भाई बताएं ये है या नहीं मतलब खातून या
मतलब मोहब्बत बेसिकली या मर्द और हाँ बताएं भाई मोहब्बत okay, लेकिन आपकी कोई दोस्ती टूटी तो नहीं इस वजह से? नहीं एक आदमी मुझे लग रहा है आपने इस तरह रिस्पॉन्स दिया है कोई बचपन में कोई ऐसा नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं पक्की बात चले एक तो ये हो गया और क्या हो सकता है prediction गलत हो उस पे भी दोस्तियां टूट जाती हैं नहीं अच्छा कभी कभी ये भी होता है ना कि झूठ पे भी झूठ की वजह से क्या क्या झूठ की वजह से आई डोंट नो ये इसको आप अगर ऑप्शन को अपनाना चाहें तो आजकल आपकी पार्टी से भी है वैसे आजकल के दौर में तो ऐसा नहीं है पता नहीं अच्छा मैं आपको देता हूँ ऑप्शन पक्की होती है उससे और दोस्ती आजकल के आजकल दौर में तो इन दो में से कोई एक जवाब सही है या तो झूठ बोलने पर या पैसों पे या पैसों पे बिजनेस पैसे जो इन दो में से कौन सा जवाब लॉक करूं इन दो में से एक सही और एक गलत है झूठ या पैसा हाँ भाई 5 सेकंड आपके पास झूठ या पैसा जुल्फी भाई कह रहे हैं पैसा उन्होंने झूठ के ऑप्शन को नहीं लिया आप बताएं कि या झूठ का ऑप्शन या पैसे जो सही है वो ऑप्शन दिखा दे जरा स्क्रीन पे ताकि हम बताएं कि जवाब सही है गलत झूठ पे है झूठ ज्यादा लोगों ने झूठ कहा पैसे पे भी होता होगा लेकिन झूठ पे झूठ बोलने में दोस्ती गलत हो गया दोस्तियां होती हैं अच्छा सच्चे आदमी को पास नहीं लगने देते यहाँ पे अच्छा नहीं नहीं ये अच्छे लोगों की बात मुझे तो समझ नहीं आई और क्या अच्छा भाई यार एक मैं हिंट देता हूँ क्या है आपकी तो अंग्रेजी क्या आगे तो बता देना फिर वो क्या मुहावरा है अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड हां ये हम ओ लेवल पे पढ़ते थे इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड एक बार फिर बोले अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड ये हिंट है सो क्या मुश्किल वक्त में देखिए बताए भाई मुश्किल वक्त में काम ना आने पे क्या दोस्ती टूटती है ऐसी ये ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें मुश्किल में काम ना आने एक रह गया भाई वो एक क्या हो सकता है दो तीन हिंट देते हैं जरा भाई कभी कभी ये भी होता है ना कि मतलब हम तीन दोस्त हैं आप चार हैं मिसाल दे नहीं नहीं ये मिसाल दे रहा हूँ अच्छा। मैं यूनुस भाई और तनवीर भाई अच्छा। और मिसाल के तौर पे तनवीर भाई ने हम दोनों में लड़ाई करा दी आपने क्या गलत फहमियां मैं आपको देता हूँ ऑप्शन यानी इसमें से सही ऑप्शन या तो है गलत फहमी या है कि किसी तीसरे दोस्त की वजह से दो दोस्तों में भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है तीसरा दोस्त ये वैसे दो, या गलत में नहीं 5 सेकंड में आपने जवाब दिया हमारे माशरे में तो अक्सर तीसरा आ जाता है दो लड़ जाते हैं बिल्कुल हमारे माशरे में अक्सर तीसरा आ जाता है दो लड़ जाते हैं मिसाल के तौर पर बहुत हुआ है तीसरा फिलहाल तो तीसरा आप बने मेरे साथ हुआ मेरे साथ तो बहुत हुआ है मेरे साथ ही बहुत हम दोनों के साथ अभी परसों तो हुआ है इनके हाथ नहीं होते लेकिन हमारे हाथ होता है भाई क्या कोई तीसरा दोस्त ये ऑप्शन है या नहीं है बता दें कि क्या तीसरे दोस्त की वजह से ठीक है भाई तो ये 4 में से 3 जवाब सही हो गए ये राउंड अच्छा खेला इस पे तालियां याद है मैं जबरदस्त ये कहीं ना कहीं गलत हुआ ये कहीं ना कहीं आप मेरे पे और मैं आप पे भी चला सकता हूँ एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद जरा देखते हैं कि जुल्फी भाई का भी क्रिकेटिंग सेंस बड़ा लग रहा है मुझे अच्छा है तो क्या बताते हैं कि बॉल ए बी सी में कहां जा रही है ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश जनाब यारी वक्त कम है मुकाबला सख्त है बढ़ते हैं आज के दिन की आखिरी गेंद की तरफ ये बताएं जुल्फी भाई ये बैट्समैन किधर गेंद मारेगा ए बी या सी हाँ भाई 5 सेकंड आपके पास और आप चाहें तो मशवरा वैसे आप तो खुद ही बताते हैं बताएं जी हे वी गो 5 सेकंड में किधर बाउंस करेगा मैंने बॉल किधर मारेगा ए बी या सी बैट्समैन किधर मारेगा शॉट कहाँ मारेगा बी जुल्फी भाई कह रहे हैं बी बगैर किसी मशवरे कह रहे हैं बी दिखाएं भाई ए बी या सी में से कौन सा क्या बात है भाई जबरदस्त ओके अगली गेंद दिखाएं भाई ये बताएं ये किधर मारेगा ए बी या सी में से जुल्फी भाई हाँ जी 5 सेकंड आपके पास अफ्रीकन बॉलर हैं और जा रहे हैं आगे और ये बिल्कुल भाई कह रहे हैं इट्स ए लेट्स सी चले भाई दिखाएं बॉलर आए और ये ओ ये सी की तरफ चला गया ओके आखिरी बॉल दिखाएं हां जी आखिरी बॉल ये बताएं किधर जाएगा साउथ अफ्रीकन बॉलर ए बी या सी 5 सेकंड आपके पास ए बी या सी हां जी 5 4 3 जल्दी ए ए यस जुल्फी भाई कह रहे हैं ए और तनवीर भाई ने कहा यस बिल्कुल ठीक है दिखाएं भाई बॉलर आए गेंद की क्या बात है जबरदस्त बहुत अच्छा भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम पिछले बॉल पे भी हिंट दिया साउथ अफ्रीकन बॉलर है तो क्या करें सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ये डब्ल्यूबी भाई हिमानी की तरफ से ये तोहफा है कुछ होगा और सर ये फिलिप्स पर्सनल केयर की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स है आपके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो बहुत सारी तालियां दुबई भाई के लिए सर थैंक यू वेरी मच कल मिलेंगे इंशाल्लाह बशर्ते सेहत पर हम नहीं खड़े क्यों हो गए पाकिस्तान
जिंदाबाद।